ओके आ रही है ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक सेकंड अहमद भाई मुझे बात कर दे। एक तो मैं जी फर्स्ट टाइम इस जगह पे आया हूँ। इस जगह की लोकेशन जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और मैं रहीम अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ। अहमद भाई क्या करना है बता दे। आज है फ्राइडे और आज थर्ड डे ऑफ वेकेशन है और अहमद भाई को भी आज छुट्टी है। अहमद भाई का कुछ दिनों पहले जो है इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ था अपना एसी वगैरह सर्विस का। अहमद भाई वो क्या है आप खुद बता दें, आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल जी अहमद भाई इलेक्ट्रीशियन बन रहे हैं, पक्के इलेक्ट्रीशियन। और अहमद भाई इंशाल्लाह कारीगर बन जाएंगे, कब तक बनेंगे कारीगर? इंशाल्लाह 2 साल तक जी होंगे तो भाई। और अहमद भाई बन रहे हैं इलेक्ट्रिशियन। और इस वजह से कल वाली वीडियो में भी अहमद भाई नहीं था जिसमें मैंने आपको 30 डेज चैलेंज का कुछ इंट्रो दिया था। तो आज अहमद भाई को छुट्टी है तो अहमद भाई ने कहा और साथ आपका हम व्लॉग बनाए। अहमद भाई हमारी जो चीज़ देख रही है जो आपको मिस कर रही थी, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा असूल है। नो फेयर व्हेन अहमद इज हियर। अहमद आ गया है, अहमद ने नया बाइक लिया है, उसको छोड़े अपना आज हम सरप्राइज को गिफ्ट नहीं बनाते हैं। भाई नहीं बनाना चाहिए ना, नहीं बनाना चाहिए। शरियान दिखाओ, आप गिफ्ट एक तरह दिखाया जाता है, दिखाओ पीछे दिखाओ। एक मिनट, ये जी अहमद भाई न्यू बाइक लिया है, ये मैं दिखाता हूँ और ये चेक करो। ये भी दिखाओ मियां, ये तो मैं उतार के दिखाऊंगा ना। मियां साहब एक मिनट रुके, मैं उतार के दिखा दूंगा। मियां साहब इज बैक। एक मिनट ये देख हमारा और फेयर तो है ही नहीं, नो फेयर। ये देखें जी अहमद भाई ने नया मोटरसाइकिल लिया, इसके अभी तक मिठाई भी नहीं खिलाई, कब तक गिराता है? कोई नहीं, हमारे लिए अहमद भाई सफर कर। मुहाफिज तेरा तू है इज्जत मेरी, तेरी हया जन्नत मेरी। अहमद भाई के मेरी नहीं है। अच्छा जी, आपने एक मिनट अहमद भाई, एक मिनट समझ रहे, आपने इन भाई को पहले देखा होगा जब अहमद भाई के चाचू की शादी से एक या दो दिन पहले, ऐसे ना? अच्छा जी, उस दिन आपने देखा था, उस दिन अहमद भाई की मोटरसाइकिल भी चेंज थी, लेकिन आज अहमद भाई ने नई मोटरसाइकिल ली है। तो जब अहमद भाई कोई मोटरसाइकिल लेते हैं तो इस भाई का दीदार करने लाजमी आते हैं इस भाई के पास, क्योंकि ये पैसे हमसे कुछ ज़्यादा लेते हैं, ऐसे ना अहमद भाई? वही मुफ्त वाला काम इन भाई से करवाने आते हैं। ये अहमद भाई के रिलेटिव्स में से हैं। तो अहमद भाई जी अपने बाइक की जो है कुछ मरम्मत वगैरह करवाने आए हैं। अहमद भाई फिर मिठाई कब खिला रहे हो यार? कारोबार बरकत ता फरमा या अल्लाह, शरीयत दे वालदान उसे तो कामला अजला ता फरमाए, इने रिज़्क बरकत ता फरमाए, गैब की मदद ता फरमाए, गैब दे असबाब पैदा फरमाए, शरीयत दे भैन भरावां इत्तेफाक मोहब्बत ता फरमाए। या अल्लाह शुएब मुशर्रफ मुबशर साल से तो कामला आजला ता फरमाए, या अल्लाह मुमशद मुशर्रफ दे रिज़्क कारोबार बरकत ता फरमाए, जो भी परेशानियां या अल्लाह दिया दूर फरमाए, या अल्लाह है जो मता फरमाए, ओनु नेक नूरीना औलाद ता फरमाए, ओने बीवी बच्चियां दी हिफाजत फरमाए, ओदी बच्ची नु सेहत नजर पर तो महफूज, या अल्लाह शादियां दी वालदा फरदौस जगह ता फरमाए। जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ ना, वो आप गौर से देखिएगा कि जो हमारे मौलवी साहब थे ना, यानी वो जो है पिछले 2 घंटे से ही दुआ मांगी जा रहे थे। तो ये बच्चे जो है आपको पता है रोटी वगैरह खाने आए थे, ये बच्चे से मुराद हम सब से मुराद ये बच्चे ही। तो
वो पिछले 2 घंटे से दुआ मांग रहे थे, तो ये बेचारे बैठ बैठ के थक गए, तो मैंने ये वीडियो शेयर किया आपके साथ, देखिएगा। फरमा हमारे हाल जिंदगी पर रहम फरमा, हमें हिदायत अता फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें उनके रस्तों पे चला जिन पे तेरा इनाम नाज़िल हुआ, ना कि उनके रस्तों पे या अल्लाह जिन पे आज़ाब नाज़िल हुआ। हमें सिरात मुस्तकीम की पहचान की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके हमारे हाल जिंदगी पे रहम फरमा। ये तो आपको बताने की जरूरत है ना, मैंने आपको बताया ना कि 2-3 घंटे से दुआ हो रही थी, तो मुबीन भाई ने अहमद भाई को मैसेज किया, यार कदम मुख से मेरे को नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ शेयर कर रहा था। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल शाह मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही जब भूल जाए नजहा की तकलीफ हो, शादी दीदारे हुस्न मुस्तफा का साथ हो। या इलाही ये जिंदगी है जो मेरी तेरे लिए मुझको मिली, हर सांस ये तो भी आ रही है जी। तो इस टाइम में क्या इस शॉप का नाम क्या है, चाय का नाम कड़क चाय? पता नहीं अभी तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन अब ऐसे ही गुस्सा है। और ये जी अभी मैं आपको बॉनफायर की ब्रांच है, बड़ा इतना पता है, बॉनफायर बॉनफायर की ब्रांच है, फेयर नहीं बॉनफायर। बिन भाई आप क्या कहना चाहेंगे, मज़ा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। अहमद भाई आपको मज़ा आ रहा है? बिल्कुल ठीक बात है, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि अभी तो हमने कुछ ट्राई नहीं किया, कुछ ट्राई नहीं किया ना, कुछ ट्राई करेंगे तो बताएंगे। हाँ ये है कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट खानपुर में मैंने कहीं नहीं देखा, आपने कहीं देखा? मैंने देखा। किधर देखा? कान में। तो खानपुर की बात हो रही है? खानपुर में तो देखा हमने। जी जो इनका बिल है ये भी इतना कोई वो नहीं है, बिल भी जो है हम काफ़ी यानी विजिट करते रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं, बिल भी जो है इनका माशाल्लाह काफ़ी यानी इतना कोई वो नहीं है। मुबीन भाई ठीक है ना, हम पहले भी खाते रह गए, कोक तो हम दिखाते हैं विन मैच। यार ये मैंने काफ़ी सारे इनसे वो यानी फ्री वाल जो बोटल्स होती थी ना अहमद भाई, कि अपना ये ढकने में बोतल करना वो होता था कि आप बोतल हासिल कर सकते हैं, मैंने काफ़ी बोतलें यकीन माने के 4-5 मैंने बोतलें पी इसी हिसाब से। सर आपकी सर्विस को 10 out of 11 नंबर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी सर्विस है, ना करे भी तो हम आए हैं। अच्छा नहीं हम अभी आए हैं तो हमें कुछ कहें ना, हमें ग्रीटिंग्स आपने बहुत हम सेट कर लेंगे। ओके आ रही ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक सेकंड अहमद भाई मुझे बात कर दे, एक तो मैं जी फर्स्ट टाइम इस जगह पे आया हूँ, इस जगह की लोकेशन जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मैं जो है इसका बाहर थोड़ा इंट्रो भी आपको दिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जी जो यार इनकी डीलिंग है ना, डीलिंग को मैं 10 out of 10 में से 11 नंबर दूंगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे डीलर्स हमारे पास आए हैं। मुबीन भाई आप बताएं कैसे डीलर थे? माशाल्लाह बहुत नाइस थे। अहमद भाई आपको सही लग गया? बहुत अच्छा इनके साथ रवैया है। मुबशिर भाई अगर आपके भी डीलर ऐसे हो जाए तो मैं कहता हूँ आपकी दुकान पे 4-4 लग जाएंगे। अभी बंदे को बुला के कह देते हैं, अभी आप उनका देखिएगा रवैया कैसा है सर। किनका? मुबशिर भाई के बंदे जी सर, इनका ना जी सर, ये तो खुद हमारे पास मुबीन भाई के साथ बढ़िया, ये तो खुद हमारे पास आ रहे हैं कहने सर अगर आपकी कोई वो सेल्फी कह रहा हूँ अगर तस्वीर वगैरह लेनी हो तो हम लेते, यानी इतना अच्छा उनका वो है। किसी होटल पे जाए ना वो भी नहीं पूछते कि भाई पानी पीना है, हमें पानी भी ला के देते, इन्होंने पानी ला के दिया तो हमने कहा नहीं नहीं बस, कहते भाई ये फ्री है इसमें किसके कोई चार्ज नहीं है, हालांकि मिनरल वाटर है, और बहुत ही अच्छा ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और इनकी जो कोऑपरेशन है उसको 10 out of 11 देते हैं।
पकाया जो खाना है वो खाना खा के ही हम आपको बताएंगे। वैसे खाना अभी अभी आपने यानी देखा होगा, मैंने वीडियो कनेक्ट की है, खाना जो है हम खा के आए हैं, हमने सिर्फ जो है क्या मंगवाई है, कोक मंगवाई है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें खाई हैं जो इतना यानी बताने के काबिल नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें। तो अभी हम खाना खा के आए, सिर्फ हज़म ही करना था, तो हज़म करने के लिए हमने कोक वगैरह मंगवाई है, तो हमारी कोक वगैरह भी जो है आ जाती है। तो बस अभी ये कुछ खाते हैं और फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी इतना कोई वो नहीं है, बिल भी जो है हम काफ़ी यानी विजिट करते रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये वीडियो को पास करके भी देख सकते हैं जी। आप पढ़े लिखे हो आपको ज़्यादा विन मैच यार ये मैंने काफ़ी सारे इनसे वो यानी फ्री वाल जो बोतल्स होती थी ना अहमद भाई के, अपना ये ढकने में बोतल का नाम वो होता था कि आप बोतल हासिल कर सकते हैं, नीचे कोई होता है कि मैंने काफ़ी बोतलें यकीन मानेंगे 4-5 मैंने बोतलें पी इसी हिसाब से। सर आपकी सर्विस को 10 out of 11 नंबर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी सर्विस है। ना करे भी तो हम आए हैं, अच्छा नहीं हम अभी आए हैं तो हमें कुछ कहे ना, हमें ग्रीटिंग्स आपसे, बहुत हम सेट कर लेंगे, एंजॉय इट अ लॉट, बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो वीर भाई फाइनल रिव्यू दे दे, कितना मजा आया, बहुत मजा आया माशाल्लाह। हां जी हां जी, कोल्डिंग अलाउड नहीं कहेंगे, बस अलाउड हो गया और दूसरी बात कोल्डिंग पी है टाइम नॉट हीटिंग में। ये जी बहुत अच्छे भाई हैं माशाल्लाह, आप जब आए इन भाई से आपने जरूर मिलना है और बहुत ही अच्छी है आपकी हमें सर्विस लगी। थैंक यू निकाले भाई बाइक चले जी जी आपकी बाइक है चले हट लाइट लाइट तो पढ़ने दो दिखाने दो साइड पे हो। ये जी अहमद भाई की हैवी बाइक है, इधर हो जाना, ये अहमद भाई की हैवी बाइक है जो ये लेके आए थे, पर यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हम इनको अतिया दे देते हैं, ठीक है हमने इनको अतिया कर दिया। हमारी बाइक एक खड़ी है भैया साहब इस बैग वाली, एक मिनट यार एक मिनट आपकी बन गई, एक मिनट बन गई मौलवी साहब बन गई और कट्ठा मोटरसाइकिल से चलो। तो अभी मैं एडिटिंग कर रहा था, ये जैसे कि लैपटॉप आपके सामने पड़ा, अभी मैं एडिटिंग करने वाला था, एडिटिंग कर रहा था, तो फिर मैंने देखा कि आउटरो म्यूज़िक नहीं बना हुआ, तो मैं भी आउटरो म्यूज़िक बनाने के लिए बैठा हूँ। खैर आज का ब्लॉग यहीं तक था, सादा अश्मी को दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा।